शिमला जिला के रामपुर बुशर में हार्प संस्था की ओर से फार्मर्स बोयर्स मीट एवं शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नवार्ड, उद्यान विभाग और मंडी समिति के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस शिविर में देश की नामी सेब क्रेता कंपनियों, अधिकारियों व किन्नौर के फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों के प्रतिनिधियों समेत प्रगतिशील बागवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सेबकर्ता कंपनियों के अधिकारियों ने बागवानों को किस तरह सेब की पैकिंग करना है, कैसे क्वालिटी से फल तैयार करना है, पैकिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है जानकारी दी, ताकि मंडी में सेब का उचित दाम प्राप्त किया जा सके। इस दौरान प्रगतिशील बागवानी एवं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी सेब बिक्री के दौरान उन्हें मंडियों एवं विभिन्न सीएस स्टोरेज में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है विस्तार से जानकारी दी। हार्प संस्था के अधिकारियों ने बताया कि उनका मकसद बागवानी और क्रेता का सीधा संपर्क कराना है, ताकि बिचौलिया प्रथा को कम किया जा सके। हिल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रमोशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस रतन ने बताया कि वायरस और किन्नौर के प्रोड्यूसर्स के मध्य सामंजस्य स्थापित, दूसरे को समझें और सेब बागवान बिचौलिए से बचकर कैसे सीधे खरीदार से जुड़े, दूसरा बागवान कैसे गुणवत्तापूर्ण सेब तैयार कर मंडी में अच्छा दाम ले, इन सब बातों पर चर्चा हुई। टिप्स थे वो तीन चार थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बायर्स हैं हमारे किन्नौर का एप्पल खरीदते हैं वो, और जो हमारे किन्नौर के प्रोड्यूसर्स हैं एप्पल के, उनके बीच में आपस में तालमेल के लिए आपस का इंट्रोडक्शन हो जाए और अच्छे से जान पहचान हो जाए कि उनका बाइंग की मेथोडोलॉजी कैसी है, और प्रोड्यूसर को ये पता लग जाए कि बायर जो है वो किस क्वालिटी का फ्रूट चाहता है। अडानी एग्रीफ्रेश के टर्मिनल मैनेजर दिनेश नेगी ने बताया कि हार्प संस्था द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेब उत्पादकों और खरीदारों के मध्य संवाद हुआ। इस दौरान आपस में कई जानकारियां साझा की गई। मैं जो अदानी एक्सप्रेस लिमिटेड का जो बिथल में सी स्टोर है, वहाँ एज ए टर्मिनल मैनेजर काम कर रहा हूँ। आज जो हम लोग यह प्रोग्राम जो अटेंड किया था, ये हार्प एनजीओस के थ्रू बायर सेलर मीट का एक प्रोग्राम जो कम वर्कशॉप जो अटेंड किया था, उसमें एज ए बायर अदानी एक्सप्रेस की तरफ से मैं यहाँ पार्टिसिपेट किया, और यहाँ जितने भी किन्नौर के ग्रोवर्स थे उनका काफ़ी डेलिब्रेट डिस्कशन हुआ। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बरी के अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि इस तरह खरीदार और क्रेता के मध्य संवाद स्थापित होने से सेब बागवानों को लाभ होगा। बागवान अपने उत्पादों को मंडी में कहां बेचे जानकारी मिली, और मैं इनका बड़ा धन्यवादी हूं। इस प्रकार का बड़ा जो यहां पर प्लेटफॉर्म में हमें बुलाया गया, मैं हर पल का दोबारा से मैं धन्यवाद। बाकी मैं बरीज से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं एफपीओ का मैं चेयरमैन हूँ, और हमारा सोसाइटी रजिस्टर्ड होकर लगभग जो है ना एक साल हुए हैं। हमने कोविड के दौरान, पिछला जो कोविड था उसमें भी हम लोगों ने लोगों को घर द्वार पर दवाइयाँ मुहैया कराई जो हमारे से हो सकता था। आगे हमारा अपने एफपीओ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सुझाव है, जो आज सुझाव के लेकर हम लोग यहाँ पर आए, और आप लोगों का, मीडिया का,